तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे KT/V के बारे में, जो कि आपका होता है एडुकेसी ऑफ डायलिसिस, एफिशिएंसी ऑफ डायलिसिस की डायलिसिस कितना इफेक्टिव हुआ है पेशेंट का, जो कि आपका यूनिवर्सल KT/V कितना है 1.2। अगर पेशेंट ने 1.2 KT/V अचीव किया है तो पेशेंट को डायलिसिस इफेक्टिव हुआ है। अगर उससे कम है तो पेशेंट को डायलिसिस सही नहीं मिला है। उससे ऊपर 2.0 तक भी KT/V जाता है। बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं KT/V होता क्या है, एडुकेसी ऑफ डायलिसिस क्या होता है, कैसे कैसे आप लोग मशीन में कैसे सेट कर सकते हो, निप्रो की मशीन में कैसे सेट कर सकते हो, उस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं निप्रो की मशीन में कैसे सेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले आप लोग ब्लड फ्लो को इक्वल करोगे, या आप इसको इंक्रीज कर लीजिए या आप नीचे से ही ब्लड फ्लो इंक्रीज कर लीजिए, वो इक्वल हो जाते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए दोनों तरफ से इक्वल कर देता हूँ। 300 यहाँ भी और 300 ब्लड पम्प की स्पीड भी कर देते हैं। फिर हम सबसे पहले इसका सेट करेंगे वेट 47 है और हाइट है पेशेंट की 156, फीमेल है, ठीक है। अब देखिए हम टारगेट बढ़ाएंगे। टारगेट 2.0 तक नहीं जाता है, 1.8 तक ही आपको रखना है मैक्सिमम, क्योंकि इनफ होता है 1.8, ठीक है। फिर डायलिसिस मोड पर डाल देंगे। फाइनली ये एकदम KT/V सेट हो चुका है। फ्रेनियस की मशीन में देख लेते हैं, 4008S वाली मशीन में देख लेते हैं। ये इसका थोड़ा मैकेनिज्म अलग है। डायलिसिस रिप्रेजेंटेशन में जाना है आपको, उसमें आपको आपने देखा होगा ग्राफ आते हैं काफ़ी सारे, तो उसके अंदर आपको KT/V सेट करना होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आप फ्रेनियस की मशीन में सेट कर सकते हो। सबसे पहले आप OCM में देख रहे होंगे, OCM लिखा हुआ है, इसमें आपको फिल करनी है सारी डिटेल। ड्राई वेट पेशेंट का भरेंगे, 52 kg हो गया, ठीक है। हाइट पेशेंट की आप लोग फिल करेंगे इसके अंदर, फिर एज, जेंडर, फिर आप ऑन कर देंगे। अब देखिए इसमें जो आपका यूरिया और SCT होता है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। जिसमें आपका SCT बता दूँ क्या होता है, जितना भी हीमोग्लोबिन होता है पेशेंट का उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए 35 एक इसमें ऑटोमेटिक सेट कर रखा है कि नॉर्मली हीमोग्लोबिन कितना होता है किसी का, 10 से 12 के बीच में, उससे आप 3 से मल्टीप्लाई करके तो 35 अराउंड सेट होता है मशीन के अंदर ही। अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक रहता है जो आप चाहते हो डायलिसिस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर करो। काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, यहाँ पे मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दिया करो, मैं वहाँ पे सबके रिप्लाई कर देता हूँ। और जो आज की अनाउंसमेंट थी आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा एक चैनल है, उस पर मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग कहते थे कि अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करो, तो मैं उस पर व्लॉग्स स्टार्ट करूँगा। तो सभी उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वो ठीक है। अल्टीमेट विक्ट्री के नाम से चैनल है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।